Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मैं कृणाल ब्रह्मभट्ट, पीसीएसआई में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। लाइफ में सर लक जैसी कोई चीज नहीं होती है, मेहनत ही करते रहो और आप मेहनत करते रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रकृति आपको कुछ ना कुछ दे ही देगी। मैं प्रॉपर खंभात का हूँ, मेरा बॉर्न खंभात में हुआ था और ब्रॉट अप टोटली टू बड़ोड़ा। मैं लास्ट 35 साल से बड़ोड़ा में हूँ, मेरा एजुकेशन स्कूलिंग सब कुछ बड़ोड़ा में हुआ है। अभी हमारा यूजुअली हर पहले मेरा ऐसा था कि कोई भी छोटा फेस्टिवल वगैरह हो तो हम गांव में ही जाते थे। मेरे दादाजी का नाम गणपत भाई ब्रह्मभट्ट है और दादी जी का नाम चंचड़बेन। दादी अभी जीवित है, दादाजी एक्सपायर्ड हो चुके हैं। ही वॉज इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ आनंद डिस्ट्रिक्ट एट दैट टाइम और वो बहुत गांधीवादी विचारसरणी के मुहिम थे। मैं उनसे एक चीज़ सिखाऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उस टाइम पे टोटली लोग गांधीवादी आइडियोलॉजी के थे और मैंने एक दो किस्से मुझे ऐसे पता है कि वो इंस्पेक्शन ऑफिसर थे तो वो सब टीचर्स का ट्रांसफ़र वगैरह सब उनके हाथ में था पूरे डिस्ट्रिक्ट का, तो लोग बक्सा भर के उनको ऑफर करने आते थे पैसों के लिए। एक किस्सा मुझे याद है कि वो इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद खेत में खुद मजदूरी करते थे, तो एक बंदा एक ब्रीफ केस लेके उनके पास आया था पैसा देने के लिए कि साहब मेरा ये ट्रांसफ़र करवा दो, तो उसको मारने के लिए मेरे दादाजी पीछे पड़े थे और वो बंदा भाग गया वहाँ से। ऐसे बहुत सारे किस्से कि जो हमें याद है। हम जब गांव में जाते थे तब हम छोटे बच्चे, आपको पता है कि दादी जी ये बना दो वो बना दो, तो दादी जी प्यार से जो भी खाना बोले हम हमारे लिए सब फैमिली के लिए बना थी। हम सिबलिंग्स बहुत सारे हैं, मेरे दो अंकल भी है, तो पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। जब मेरे पापा का यहाँ पर जॉब के लिए ट्रांसफ़र हुआ तब हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। जब हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है, उत्तरायण है, नवरात्रि है, उस टाइम पे हम साथ में इकट्ठा होते थे और वो एक माहौल था, वो पुराना अलग माहौल था, प्यार का माहौल था। पूरी फैमिली एक साथ में इकट्ठा होती थी, सबके लिए खाना बनता था, सब फेस्टिवल हम साथ में एंजॉय करते थे। अभी ये ज़माने में वो सब चीज़ें अभी देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। वो जब हम छोटे थे तब गेम्स खेलते थे बच्चों के साथ, पत्ते खेलते थे, वो टैप खेलते थे, फिर गिली डंडा खेलते थे और बहुत सारी हमारी मेमोरीज है चाइल्डहुड की, जो गांव में हमने जो एंजॉय की है वो ये जनरेशन को अभी आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल हो पाएगा वो माहौल जीने का। अभी मेरे पिताजी के नाम अशोक भाई ब्रह्मभट्ट है। मैं अभी जो भी बाय प्रोफेशन सीए हूँ वो उनकी वजह से हूँ। वो इनिशियली अकाउंटेंट की जॉब करते थे मेरे पिताजी और उनके वहाँ पे बाहर से ऑडिटर्स ऑडिट करने के लिए आते थे। तो जब उन्होंने उस टाइम पे ठान लिया था कि ये जो ऑडिटर्स हमारा जो ऑडिट करते हैं, मेरे बच्चे को कल उठ के मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनाऊंगा, और उनके विजन्स की वजह से अभी मैं जो भी हूँ बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो उनकी वजह से हूँ पैसे से। मेरे माता जी का नाम मीनाबेन ब्रह्मभट्ट है, वो अभी हाउस वाइफ है। आपको पता है हाउस वाइफ का रोल सबसे बड़ा होता है कि चैलेंजिंग टास्क है, तीन तीन बच्चों को संभालना, उनका पढ़ाई करवाना, बच्चों की शादी बाकी करवाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मेरी माता पिता ने बहुत दिक्कतें इनिशियली झेली है। आई एम बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जब पुराना पास देखे तो पता चलता है कि लाइफ में उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है और वो स्ट्रगल की वजह से अभी हम जो प्लेटफॉर्म पर है बिकॉज ऑफ देम ओनली एट दिस टाइम। माता पिता ने मुझे बहुत प्यार से रखा है, उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, इंस्पाइट ऑफ दैट मुझे सब कुछ दिया, एक आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म दिया और हर एक चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट किया है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हम टोटली तीन भाई बहन हैं। मेरी दोनों बहनें हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी दो बड़ी बहनें हैं, वो अभी अमेरिका में है, एक टेक्सास में है और एक न्यू जर्सी में है। वो दे आर वेल सेटल और खुद का अभी जॉब वगैरह वहाँ पे कर रहे हैं अभी यूएसए में। एक बहन का नाम वंदना ब्रह्मभट्ट है और दूसरी सिस्टर का नाम पिंकी ब्रह्मभट्ट है। लाइफ में मैंने किसी को इंस्पिरेशन नहीं बनाया है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि हर एक आदमी में ऐब है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी बंदा भी ये लाइफ में 100% नहीं है। मैंने चीज़ एक सीखी है कि हर एक बंदे में जो पॉजिटिव चीज़ है वो एब्जॉर्ब करो, नेगेटिव है उसको इग्नोर करो। तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारे लोगों की लेके मैं आगे बढ़ाऊँ
और हर एक दिन हर एक बंदे से कुछ नई चीज़ें सीखता रहता हूँ और अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। सर एक चीज़ है कि अभी लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज है, आप मूवी देखने जाओ, नए नए कपड़े पहनो। हम जब छोटे थे तब हमारे पास सिर्फ दो जोड़ी कपड़े थे, मतलब इतना लग्जरी नहीं था। या वी आर खाने पीने के लिए वी आर वेल मेंटेन, बट ऐसा लाइफ में कभी भी नहीं था कि अब कोई भी एलफिल खर्चे कर दो, कोई भी जगह पे उड़ाओ, ऐसा कोई लग्जरी हमारे पास नहीं था। जब हम सिटी में आप देखते थे बहुत सारे लोग ऐसे पैसे उड़ाते हैं, तब अपने को भी मन होता है कि अब ये करे वो करे लाइफ में। बट यस, ये चीज़ लाइफ में होनी चाहिए, ये चीज़ होती है तभी आप इंस्पायर होकर लाइफ में पैसा कमाओगे, कुछ करोगे। कुछ करने की आग वहीं से आती है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो कल उठ के कुछ बड़ा करना है, तो कुछ करेंगे तभी आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। तो वहीं से हमको सीखना मिला कि सब भाई कुछ करोगे नहीं तो यही लाइफ जीनी है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा कमाना है, तो कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तब से एक सीए होने का इंस्पिरेशन मेरे पापा ने जो दिया उसको मैंने पकड़ लिया और लाइफ में बहुत कुछ नहीं लेकिन अच्छा खासा अब तक अचीव मैंने कर लिया है, ऐसा लग रहा है अभी। सीए करने में पूरी जवानी खर्च हो जाती है, तो लिटरली बहुत सही चीज़ है। मैंने मेरा 2005 में सीए बनने का जर्नी स्टार्ट किया। सीए होने में मुझे 7 साल लगे। उसके बाद आई वॉज स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस इन 2012। मेरी पूरी फैमिली में आज तक कोई सीए बना नहीं था। आई एम द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इवन दो प्रैक्टिस और बिजनेस करना भी मेरी फैमिली में आज तक नहीं था, आई एम द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस एंड बिजनेस। मेरी वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है साथ में, तो हम दोनों अभी एक ही फर्म में हैं। वी आर टोटली 15 पार्टनर हैं हम, और 2012 से हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारा फर्म बहुत पुराना है, 1977 हमारे सीनियर पार्टनर भी फर्म में हैं, तो हम 15 पार्टनर साथ मिलके अच्छे से प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। USP मतलब हम टोटली 15 पार्टनर है, हमारे पास गवर्नमेंट असाइनमेंट्स भी बहुत सारे हैं। 1977 में हमारे सीनियर पार्टनर विनोद भाई कंसरा ने हमारा फर्म स्टार्ट किया था, और तब से आप मोटा मोटी पकड़ के 45 ईयर्स ओल्ड फर्म एट प्रेजेंट। सो बहुत पुराना एम्पायर है हमारा, और सब 80 प्लस का स्टाफ है, 15 पार्टनर्स है। यूजुअली क्या होता है कि हर एक पार्टनर हम 15 दिन में मीटिंग्स करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी नई डिफाइन करते हैं, जो अपडेट्स हमारे प्रोफेशन में आते हैं वो डिस्कस करते हैं, और वैसे एक मिला जुला एटमोसफियर है और प्यार भरे एटमोसफियर में हम सब साथ में काम करते हैं। मेरा प्रैक्टिकली लव मैरिज है, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। 2013 में मेरा शादी हुआ। वो घर में भी इतना हाथ बटाती है, साथ में मेरे ऑफिस में भी हाथ बटाती है। मतलब बीइंग लेडी इट्स अ बिग चैलेंज टू बी इन अ प्रोफेशन अलोंग विद दैट हैंडल हाउसवाइफ रोल। सो डेफिनेटली उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और सी इज़ वेरी मच राइट हैंड टू माई लाइफ, आई कैन से दैट। उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे आज तक, और जो भी हूँ अभी उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से भी हूँ। मेरा एक बच्चा है 4 साल का, दियांश ब्रह्मपट नाम है, वो भी जूनियर केजी में पढ़ रहा है, और लगता है कि एक मोटिवेशन फैक्टर कि घर जाके उसके साथ खेलना, मतलब इट्स लाइक पूरे दिन का स्ट्रेस निकल जाता है, इट्स रियली फन लविंग। मेरे बेटे को एक ही चीज़ कि शांति से अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, और अपने से किसी को दुख नहीं पहुँचे ऐसा करो, और अपने आसपास जितने भी दोस्त लोग हैं उसको एलिवेट करो, उसका आगे बढ़ाओ, और बीइंग अ गुड लीडर सबको साथ में लेके चलो। सर मुझे वैसे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, फैमिली के साथ घूमना, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। आई एम बाय नेचर स्पोर्ट पर्सन हूँ, मुझे खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। मुझे देशभक्ति की फिल्में बहुत प्यारी है, देशभक्ति की जो रिलेटेड फिल्म है मैं बहुत देखता हूँ। बॉर्डर फिल्म में जब छोटा था तब मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बॉर्डर फिल्म देखी तब उस टाइम मुझे लगा कि मुझे आर्मी में जाना है, पुरानी बहुत प्यारी यादें हैं। मेरा खुद का फाउंडेशन है, मेरे सन के नाम से दियांश फाउंडेशन करके मैंने एक फाउंडेशन ओपन किया है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव उसमें वैसा है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम हमारे फाउंडेशन को उनको सपोर्ट करते हैं, अलॉन्ग विद दैट मेडिकली जिसको प्रॉब्लम्स है उसको हम सपोर्ट करते हैं। और हर साल 3-4 साल से हमारा कैंपेन चल रहा है कि जब दिवाली आती है तो जो जिसके पास कपड़े नहीं है उन लोगों का हम हर साल कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हर साल पकड़ के मोटा मोटी हम 8,000 to 10,000 क्लोथिस सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रेजेंटली सर मैं BJP वडोदरा शहर बोलते हैं, वडोदरा शहर में एक इकोनॉमिक सेल होता है, तो इकोनॉमिक सेल का मैं अभी संयोजक हूँ, कन्वीनर हूँ।
तो बेसिकली गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती है जो लोगों के रिलेटेड होती है, वो स्कीम्स को पहुंचाना, लोगों तक पहुंचना, वो हमारा एक कर्तव्य रहता है इसमें। नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी को आप देखें कि पूरी लाइफ उन्होंने बीजेपी को समर्पण कर दी है। सर, लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड इट्स योर पर्सपेक्टिव। आप जैसा सोचोगे वैसी आपकी लाइफ है। आप पॉजिटिव रहोगे तो लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे। अभी आपने सोचा कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। ऐसे अप्रोच से आप आगे बढ़ोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन आपने सोच लिया कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ ना कुछ नया रोज सीखना है, कुछ नया अचीव करना है, कोई ऑब्जेक्टिव और गोल होगा, तभी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी रहेगी और यू विल एंजॉय योर लाइफ। फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी इतना इंडल्ज नहीं हुआ हूँ स्पिरिचुअलिटी पे, बट यस, बीइंग हिंदू, सनातन धर्मी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने का। और कुछ नया जानता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये भी करना चाहिए धर्म के लिए, वो भी करना चाहिए। मैं डेली भगवान के सामने मत्था टेकता हूँ, हर संडे भगवान को दर्शन करने जाता हूँ, आस्था है मुझे, लेकिन इतना अभी उसमें नहीं घुसा हूँ मैं। आउट ऑफ कंट्रीज़ में आपको लंदन में घूम चुका हूँ, दुबई घूम चुका हूँ, इंडिया में मोस्ट ऑफ सब जगह पे केरला, ऊटी, कुर्ग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, एमपी, इंदौर, शिमला, मनाली, मतलब मोटा मोटी सब मैंने इंडिया के सिटीज़ कवर कर चुका हूँ। मेरा एक प्लानिंग ऐसा होता है कि साल में एटलीस्ट 2 ट्रिप करने की और उसके बाद काम। तो ट्रिप से जाने के बाद आप अपने आप को बहुत रिज्यूविनेट और फ्रेश फील करते हो और उसके बाद नए थॉट्स आते हैं और काम करने का भी आपको बहुत मज़ा आता है उसमें। लाइफ में सर सपने बहुत है। मेरा ऐसा नहीं है कि एक ही गोल बनाओ, एक गोल अचीव करो, दूसरे बाद नया गोल बनाओ, उसको अचीव करो। एट प्रेजेंट ऐसा है कि यस, एक अच्छा सीए बनना है और मेरा दूसरा एक विजन, अच्छा पॉलिटिकल करियर भी मुझे बनाना है, तो पॉलिटिकली भी मुझे अभी आगे बढ़ना है। सो इट्स माय लॉन्ग टर्म विजन, पॉलिटिकली अलॉन्ग विथ प्रोफेशनल लाइफ, और अच्छा आदमी बन के फैमिली को भी अच्छे से संभालना है। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते आए हैं, लेकिन अभी अपनी युवा पीढ़ी को संदेश एक ही देना है कि अपना धर्म, अपना सनातन धर्म है वो सबसे बड़ा है। अपने अंदर ही हम इंडल्ज करें ना तो उसमें ही बहुत सेटिस्फेक्शन है। अपने कल्चर को हम फॉलो करें उसमें बहुत मज़ा है और अपनी लाइफ उसमें ही है। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे तो कल उठ के प्रॉब्लम होने ही वाली है। दे आर फास्ट फूड, जल्दी बनता है, जल्दी बिगड़ता भी है। हमारा कल्चर स्लो है, अच्छा है, अच्छे संस्कार है हमारे धर्म में। जो युवा पीढ़ी हमारे धर्म को फॉलो करेगी, डेफिनेटली वी आर रूलिंग द वर्ल्ड एंड आई एम श्योर विद इन 2 decades इंडिया विल रूल द वर्ल्ड। सर, सी एक बहुत ग्लोरियस प्रोफेशन है, बट यस, 3 चीज़ें हैं, कमिटमेंट, पेशेंस एंड हार्डवर्क। ये 3 चीज़ लाइफ में है तो आप सी ए कर सकते हो। सी ए होने के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड की ज़रूरत नहीं है, आपको शांति से पेशे से मेहनत करना रहना है। आप मेहनत करोगे डेफिनेटली सी ए हो जाओगे। हमारा सर प्रोफेशन ऐसा एक चीज़ है कि ये लाइफ में सिखाता है कि कोई भी दिक्कत, एक बार बंदा सीए हो गया ना, वो सब चीज़ों से पर हो जाएगा, उसको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो छोटी ही लगेगी। क्योंकि आप समझो कि 12-12, 13-13 बुक पढ़ने की, और बंदा जब फेल होता है ना तो फेल होने के बाद वो बुक फिर से पढ़नी होती है, तो जो एक दिन होता है ना सर, वो रुला देने जैसा दिन होता है। क्या बुक जब फेल हो तब सामने बुक्स दिखती है और बुक्स दिखने के बाद आपको लगता है कि अभी यार 6 महीना फिर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब वो जज्बा आप में आ गया है ना कि लाइफ में फिर से अटक के आगे बढ़ना है, तो उससे आप लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो और आपको कोई चीज़ उसके बाद अटका ही नहीं सकती है। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको छोटा ही लगेगा बीइंग अ सीए। तो वो हमारा सीए का करिकुलम हमको सिखाता है लाइफ में, नेवर गिव अप एटीट्यूड। यस, वी आर ऑल यूनिक, वी कम एंड गो, बट दीज स्टोरीज आर लेगेसी फॉरएवर। डू शेयर योर स्टोरी विद इंडियन स्टोरी एनीटाइम एनीवेयर. And don't forget to subscribe our channel